तो भैया पंचू की राम राम। देखा फोन सवेरे तो दुठ मिसकाल परा रहा पुत्तन का। हम समझ गवा कि पुत्तन का सपना है, बताओ कोई लगावा। हम कहा दादा पुत्तन का हलम में निकल गए रहे हो, कई रोज नागा हुए। अरे कहा चाचा सुनाओ आज बहुत जबरदस्त, तुम्हू उछल जाइयो। कहा सुनाओ बेटवा का सपना देखे। कहा चाचा हम देखा कि जनो हमार कल्लू पढ़ के इंजीनियर होएगा, अब घर आवा नई कार ले रहा बढ़िया चमचमा। अब कहे कहे भैया पुत्तन भैया अब हम लेके आवा 20 रोज की छुट्टी, अब फट से तैयारी करो चलो। और तुमको हम घुमाए थे शहर 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 और तमाम शहर में जहाँ जहाँ अपन रिश्तेदारी हुआ चला जाए और घूमा जाए। हम कहा हाँ तुमका तो बहुत पुराना शौक है, वो पढ़ाई में तेज रहा घूमे में तेज रहा। हम कहा चलो। फिर दोनों भाई कह के तैयारी गाड़ी में निकल गवाओ के। तो पहले तो गवा इलाहाबाद और हुआ पहुँचा घंटा घर कहती तो देखा है कहती बड़ी भीड़ लाग रही। हम कहा लाला कहा हो गया एक्सीडेंट हो गया कहा कहीं देखो तो कर लो। कहे चलो देखा तो मनाई घेरे रहा उनका और 8, 10, 15 मनाई उमा हल अलग अलग उम्र के ये समझ ले कि उघार बस चड्ढी पहरे अठार रहे अमूमा पट्टी बांधे और हाथ में केवल तख्ती लिए रहे। कौनो में लिखा रहा सुनो सरकार बंद करो पुलिस अत्याचार, कौनो में लिखा रहा हमका चाही पुलिसिया आतंक मुक्त भारत, यही तरह के अलग अलग तख्ती दिए रहे। ती भट्टी भाई देखो भाई क्या बात। और के बाद थोड़ी देर बाद फिर पट्टी हटाए के शुरू कर दी नाटक। तो देखा गया नाटक में, तो नाटक में दिखाए कि कहूँ चुनाव है और मैं जो है एक विधायक जी जीत गए और जो उन हार गए अब उनके समर्थकन से बदला ले लागे खिसिया गए रहे। तो वही मैं एक के खिलाफ जो है अब रहे थिएटर आर्टिस्ट और उनके खिलाफ कुछ हो ना पाए। अब ये तो न भा कि पकड़ाए दे गांजा बेचत पकड़े के भाई थिएटर आर्टिस्ट रहे तो उनका झूठ के दिखाए कि FIR के थाने में ये जो है फर्जी ID बनाए के हमारे खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं शब्द कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं। बस फिर का पुलिस पाएगी मौका और के बाद में उनका बंद कर दी। अब उनकी खोज खबर लोग जो थाने में आए कि भैया कहे बंद है हमारे कहे बंद है उनहू का बैठाए के थाने में खूब कुटाई की। एक पत्रकार आए रिपोर्टिंग के बड़े उनहू का खूब मारे। अब इतने से जब जीव न भरा उनके तो उनकी बेज्जती करे के बड़े उनका कपड़ा उतार के और खींचिन फोटो खींच लें। ये पूरी घटना कहूँ नाटक बना के दिखाएं और आदमी को ताली बजाएं और नारा फिर लगाए लागे कि हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है यही तरह के। तो पब्लिक को बताएं कि देखो इस तरह से पुलिस की जाति होती सब जगह। जो पुलिस का काम है वो पुलिस नहीं करती कि भाई अगर रिपोर्ट हुई है तो उसकी जांच करो और जांच करके अदालत का अपन जांच रिपोर्ट दो अदालतों के बाद में दोनों पक्ष का बुलाएगी फैसला करेगी या नहीं। बस पुलिसिया डंडा अब चूंकि भाई ताकतवर की बात अब जौन ताकतवर कही वो पुलिस करी। तो स्वतंत्र भारत में पुलिस गुलाम हस काम करे ताकतवर लोगन की यह गलत बहुत बढ़िया यह संदेश नाटक में भर। ओके बाद इलाहाबाद से ये बाकी चलो बनारस गवा। बनारस में देखा गोदौलियों में ही तरह भीड़ लाग रही अहुआ में ही तरह उघार बदल हुई के 15-20 जने। अब यही जो इलाहाबाद में देखा वही कार्यक्रम हुआ किए रहे सब। हम कहा रा 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 रा। उसके बाद फिर लखनऊ निकला। लखनऊ में GPO के सामने यही हाल रहा यही नाटक चलाओ कलाकार सब वो थिएटर वाले रहें और पब्लिक का जागरूक करते रहें। ओके बाद तो चाचा जहाँ जहाँ गवा लखनऊ से फिर निकला कानपुर। कानपुर में ही देखा फिर कानपुर से निकल गवा झांसी। झांसी में अब झांसी से भोपाल भोपाल से इंदौर फिर इंदौर से ये भागी उसका बड़ा रुचि रही शौक रहा गुजरात का शहर बड़ौदा फिर कहती चित्तौड़ यानी 4 स्टेट हो गए। और जहाँ जहाँ जाए हुए हुए कलाकार ये करें तो उनसे पूछा गया भाई ये कहें भाई अब जो है नए भारत में कम से कम पुलिस जो होनी चाहिए जनता के साथ सहयोग करे इसके लिए जो है हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं
किया न्याय अत्याचार हम नहीं सहेंगे। हम कहा वाह तो चाचा यह सपना हम देखा और हमें लागत था कि तुम्हार जो है हम काल सुना रहा वीडियो वही हमारे जीव में घूमत रहा वही आएगा सपना में। हम कहा वाह बेटवा पुत्र है तो सही बात अगर इन तरह विरोध हो अन्याय का पूरे देश में कहूं हो घटना अब विरोध पूरे देश में हो तो पुलिस भी जागी सरकार भी जागी और जनता जागरूक हो। यह सपना तो बहुत बढ़िया देखो। तो भैया नमस्कार।